Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Chani Sangatramani and as you guys can see in the title, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है बैग्स के रिलेटेड और वो बैग्स मैंने लिए हैं शॉपी से. अगर आपने पहले शॉपी से शॉपिंग नहीं की है तो शॉपी मैंने भी फर्स्ट टाइम जब इसको देखा था तो मुझे थोड़ी फ्रॉड टाइप लगी थी बिकॉज वहाँ पे प्राइजेस हर चीज़ के काफ़ी कम है. मतलब पहले ही कम प्राइस मिल रही है और उसके ऊपर से उनके कॉइन्स मिलते हैं जो आप लगा के और भी कम प्राइसेस पे चीज़ें ले सकते हो. सो शॉपी के जब फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था उसमें ऐसा था कि मैंने एक दो छोटी छोटी चीज़ें मंगवाई थी जैसे 20 रुपीज़ की 30 रुपीज़ की और वो मतलब 20-30 रुपीज़ की चीज़ें कैश ऑन डिलीवरी पे फ्री शिपिंग में आई थी. मैं सीरियसली बहुत शॉक्ड थी पर वो कैसी निकली वो आपके आगे पता चलेगा क्योंकि मैंने उसके बाद सोचा कि ठीक है छोटी चीज़ें तो अच्छी निकल रही हैं बट बड़ी चीज़ें कैसे निकलती हैं. और वहाँ पे पर्स देखे मैंने, बैग्स जो बहुत कम प्राइसेस पे थे. सो मैंने सोचा एक हॉल तो बनता है. सो मैंने सोचा कि जो हॉल बनाऊंगी उसमें मैं सबसे कम प्राइस से स्टार्ट करूंगी. कितना कम से स्टार्ट हो सकता है उतने कम से स्टार्ट करूंगी. उसका स्टार्टिंग प्राइस है सिर्फ 50 रुपीज़ से. मतलब हमारे जो बैग्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं सिर्फ 50 से और मेरे यहाँ पे जो भी बैग्स हैं वो सब अंडर ₹450 हैं, जिसका मुझे खुद को मतलब समझ नहीं आ रहा कि इतने कम प्राइस पे कैसे हैं बैग्स. सो मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन द वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से. अब जो ये बैग है वो मेरे टॉप के कलर जैसा है इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट चूज किया. सो ये जो बैग है इसको शायद क्लाउड बैग बोलते हैं. मैंने इसको इंस्टाग्राम स्टोर पे बहुत ज़्यादा देखा था और इंस्टाग्राम स्टोर पे ये जब न्यू आया था ना भाई इसकी बहुत डिमांड थी. इसके जो प्राइजेस थे वो 1200, 1900, कहीं मुझे 700 रुपये दिखा था. और आप बिलीव नहीं करोगे ये जो बैग है वो मुझे शॉपी से सिर्फ 180 रुपीज़ का मिला है. जैसे आप इसको स्लिंग बैग बना सकते हैं और इसका जो मटेरियल है जैसा ये सिर्फ इसका ये जो चेन है वो थोड़ा चीप टाइप का है. मैं काफ़ी शॉक हूँ ये इतना अच्छा बैग इतने कम प्राइस पे कैसे मिल गया. इसका एक्चुअल प्राइस जो था वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, उसके बाद कॉइन्स लगा के मुझे ये सिर्फ 180 रुपीज़ का मिला है. और आप लोग को भी कॉइन्स मिलते हैं जैसे आप शॉप पे जाते हैं आप अपनी शॉपिंग करते हैं काफ़ी सारे कॉइन्स होते हैं वहाँ पे. मुझे इसको रेट करना हो तो ये 10 में से 8 है. 2 मार्क्स मैंने इसके कहाँ कट किए वो थे इसकी चेन पे और इसका जो ये बाहर का जो है ये थोड़ा सा चीप टाइप का है बट 180 में मैं और क्या ले सकती हूँ. सो आप ये इस बैग के लिए तो पक्का जा सकते हैं. अब नेक्स्ट बैग की तरफ चलते हैं जो होने वाला है मेरा फेवरेट, क्योंकि हर चीज़ में से मेरा कुछ ना कुछ फेवरेट निकलता ही है हर हॉल में. सो मेरा जो फेवरेट बैग है वो है ये. अब ये भी आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, इंस्टाग्राम स्टोर्स पे देखा होगा. इसको मून बैग कहते हैं और पता नहीं मुझे इसका दूसरा नाम नहीं पता बट इसको मून बैग कहते हैं. सो इसका जो प्राइस था वो था 270 या 280 रुपीज़, जो भी बहुत सही प्राइस है इसके रिलेटेड, क्योंकि इसका तो मैं कहीं मार्क्स कट भी नहीं कर सकती. इसका जो अंदर का पार्ट है जो बाहर से है और ये जो सब बहुत ही अच्छा है. मतलब आप समझ नहीं रहे हैं, मैं स्टिल शॉक में हूँ कि मुझे ये 270 का कैसे मिला बट बहुत अच्छा है. आप इसको तो ज़रूर ख़रीदना, अगर आपको ऐसे टाइप का बैग लेना है तो आप इसको ज़रूर ख़रीदना, ये बहुत ही अच्छा है. आप इंस्टाग्राम स्टोर से लेने चाहते तो ये भी 800-900 रुपीज़ का होता बट शॉपी पे ये इतने कम प्राइस पे है. मैंने इसमें और भी कलर्स देखे थे जो काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स थे बट मुझे ब्लैक में जाना था इसलिए मैंने ब्लैक लिया बट आप दूसरे कोई भी कलर्स ले सकते हो. चलते हैं नेक्स्ट बैग की तरफ. जो ये बैग है आप देख सकते हैं ये मैंने कल मंगवाया है 10 कलर में, क्योंकि मुझे आजकल ब्राउन्स बहुत जगह दिख रहे थे और ब्राउन्स का मुझे लगता है काफ़ी ट्रेंड आया है. सो मैंने बोला कि मुझे एक ऐसे टाइप का बैग चाहिए और कलर भी ऐसा चाहिए. बिल्कुल भी कोई भी एंगल से चीप नहीं लग रहा. और इसके साथ ये दी गई है बेल्ट, जैसे इसको आप स्लिंग भी एज अ स्लिंग भी यूज़ कर सकते हैं ऊपर इनको अटैच करके. और
इसका कलर और इसका जैसा मटेरियल है ना, ये किसी को पता भी नहीं चल सकता ये कितना कम प्राइस में मिला है। इसका भी प्राइस मुझे 270 पड़ा था। ये सारे जो प्राइजेस मैं आपको बता रही हूँ वो है पॉइंट्स कट होने के बाद, पॉइंट कट होने से पहले के प्राइजेस भी मैं यहाँ दे दूंगी आपको। अगर आप पॉइंट्स लगाओगे तो आपके लिए काफ़ी सस्ते पड़ जाएंगी हर चीज़ में 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ या समथिंग कम पड़ेगा आपको। अगर आपको खुद के लिए नहीं लेना, किसी को गिफ्ट करने के लिए लेना है तो भी आप इसको ज़रूर ले सकते हो। 300 के अंदर आपको बहुत अच्छी गिफ्ट मिल जाएगी किसी के लिए। चलते हैं अभी हमारे जो सबसे सस्ते बैग की तरफ। ये जो पूरा मेरा बैग्स का कलेक्शन है, जो हॉल है, उसमें सबसे जो सस्ता बैग है वो है ये। अब ये जो बैग्स हैं, टोटे बैग्स बोलते हैं इनको या जो भी बोलते हैं पता नहीं इनको सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट ये वाला जो बैग है ये अभी है ना, मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी हर जगह, और हर जगह इसका प्राइस था समथिंग 100 रुपीज़, 150, कहीं कहीं 200, कहीं कहीं 250। मतलब मुझे था कि मुझे कोई ऐसा सस्ता ऑप्शन चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं इसको पता नहीं थोड़ा सा यूज़ करूँगी, फिर कभी शायद करूँगी नहीं करूँगी। मुझे ऐसा होता है कि मुझे ये चीज़ लेनी है, पता नहीं मैं आगे यूज़ कर रही हूँ कि नहीं। सो मैंने सोचा इसका सबसे सस्ता ऑप्शन क्या होगा, तो ये जो बैग था वो मैंने फर्स्ट लिया था शॉपी से। ये थे दो, ये था दो के पैक में, मैं आपको यहाँ पे फोटो दे रही हूँ। ये जो बैग थे ये ₹100 में पड़े मुझे दो। जो आप देखने जाओ तो एक ₹50 का पड़ता है, जो मेरे हिसाब से ₹50 वर्थ है, बिकॉज मैंने ना करके भी इसको 3-4 बार लिटरली यूज़ कर चुकी हूँ, और इनका जो मटेरियल है वो काफ़ी सही है। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ले जा पाती हूँ, और आजकल के जो आप एस्थेटिक चीज़ें देखते हो और उनमें ये बैग्स बहुत आ रहे थे, मैंने देखे थे, तो मुझे तो इतना मन था ये लेने का, और थैंक्स टू शॉपी मुझे ये सिर्फ 50 रुपीज़ के पड़े। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट बैग की तरफ। ये शायद इस जो पूरे हॉल का है सबसे महंगा बोल सकते हैं, सबसे महंगा बैग है। ये है ऐसे रूच टाइप बैग। अब इसका जो कलर था वो थोड़ा डिफरेंट था फोटो में, और आया थोड़ा डिफरेंट, तो मुझे कलर के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, बट फाइनली मैं ये जब लास्ट टाइम ऐसा बैग लेने गई थी तो मुझे कुछ और ही रिसीव हुआ था इंस्टाग्राम स्टोर से, और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने जो प्राइस पे किया था मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। इंस्टाग्राम स्टोर पे वो दिख ऐसा रहा था, आया बहुत ही बकवास था, फाइनली मुझे ऐसे टाइप का मिला। हाँ कलर डिफरेंस है, मुझे फील हो रहा है ये थोड़ा बुरा, बट ठीक है, मैं शायद इसको रिटर्न करके कोई और अच्छा कलर भी ले सकती हूँ। रिटर्न और एक्सचेंज के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी, बट इसके अलावा मीन्स आप देखो तो इसका जो अंदर का है, सब बैग्स का मटेरियल ज़्यादातर अच्छा ही है, किसी का भी बुरा नहीं आया है। लाइक जिस प्राइस मैंने जो पे किया है इन सब बैग्स के लिए, उसके हिसाब से सबका मटेरियल काफ़ी अच्छा है। जो फर्स्ट आपको मैंने दिखा उसको थोड़ा सा चीप था, बाकी सबका बहुत ही अच्छा है। इसको आप काफ़ी चीज़ों के साथ स्टाइल कर सकते हो। मैंने इनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी ली है, मैंने वाइट कलर का बैग लिया है, ब्लैक लिया है, एक टैन लिया है, वो आपको कोई भी चीज़ों के साथ चल जाएगा। आप कोई भी आउटफिट पहनते हो तो उसके साथ वाइट, ब्लैक और टैन ऐसे टाइप के कलर चले जाते हैं, ये भी चला जाएगा, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट इनको आप बहुत चीज़ों के साथ पेयर कर सकते हो, और आपको ये अगर डेली बेसिस पे लेके जाना है तो आप वो भी कर सकते हो। सो चलते हैं हमारे लास्ट बैग की तरफ। मैं आपको एक चीज़ पहले ही बताना चाहती हूँ कि ये बैग थोड़ा सा डिफरेंट आया है, थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंट आया है। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, मैंने फ़ोटोज़ में देखा था, जो ये यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो दे रही हूँ, और ये बैग है ऐसा। मुझे थोड़ा दुख हो रहा था जैसे ये आया, क्योंकि मैंने इसको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसका जो कलर था वो फ़ोटो में ब्लू दिख रहा है, उन्होंने लिखा हुआ ग्रे था, तो ग्रे ही रिसीव है, जो अच्छी बात है। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए वो थी ये, मुझे ये और ऐसे टाइप का चेन नहीं पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप ऑफकोर्स इसके लिए जा सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे 250 रुपीज़ से भी कम में मिला है, जो मुझे लगता है काफ़ी सही है उसके हिसाब से, बट अगर आपको ये और ये पसंद आता है तो ही आप लेना।
सो आज के लिए बस इतना ही। अब बात करते हैं शॉपिंग के रिलेटेड। सो अगर आपको शॉपिंग पे थोड़ा भी ऐसे प्रॉब्लम है कि आपको भरोसा नहीं आ रहा या क्या, तो आप कोई भी चीज़ कैश ऑन डिलीवरी करके मंगवा सकते हैं। अगर कोई भी उसमें भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको इजीली एक्सचेंज या रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले एक चीज़ रिटर्न की है जब उस टाइम में मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि नहीं शॉपिंग पे एक्सचेंज या रिटर्न बहुत हार्ड है या क्या, तो मैं थोड़ा टेंशन में थी कि होगा कि नहीं। बट मैंने जब किया तो वो काफ़ी ईजी प्रोसेस था, जैसे नॉर्मली हर ऐप पर होता है। यहाँ से जैसे ही मेरा पार्सल निकला और मुझे पैसे बैंक में आ चुके थे। सो मुझे लगता है कि शॉपी से आपको ज़रूर शॉप करना चाहिए। अगर आपको शॉप करना है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक या कोड दिया होगा वो लगा के कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो मुझे कौन सा करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि शॉपिंग के रिलेटेड मुझे अभी और बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, जैसे ये बैग्स आए उसके बाद। कोई भी चीज़ का हॉल चाहिए शॉपिंग से, जैसे हुआ जीन्स, टॉप, फुटवेयर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वैसे ही काफ़ी ट्राई कर रही हूँ ढूंढने की कि मुझे और दूसरा कौन सा हॉल करना चाहिए शॉपिंग से। सो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और वो बेल आइकन को दबा देना, जैसे आपको पता चले मेरी नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है। सो तब तक के लिए बाय।